हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश, वेलकम यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे, आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम आरसीसी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो टॉर्सन का है, अगर किसी बीम पे अगर टॉर्सन भी लगे, टॉर्सनल मोमेंट टाइप का, तो उसका डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे वो हम इसके आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अभी से पहले हमने टोटल जो है आरसीसी में सीयर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एलएसएम, डब्ल्यूएसएम और सीयर और इंट्रोडक्शन पार्ट तो पहले ही हो गया था, तो ये सब टोटल फोर चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है जिसमें हम लोग टॉर्सन के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्सन में कितने टाइप के टॉर्सन होते हैं, फिर उसका डिजाइन कैसे करते हैं टॉर्सन के लिए, तो एक एक करके हम लोग सब कुछ सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि उसका डिजाइन हम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको टॉर्सन से रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारा पेज जो है फेसबुक पेज उसको जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉर्सन क्या होता है। तो टॉर्सन एक कुछ खास नहीं, एक मोमेंट टाइप, मोमेंट ही समझिए उसको। और वो जो टॉर्सन होता है उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। अब कोई बीम है उस पे सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो लग ही रहा है, उसके अलावा यानी कि उसके बाद एक टॉर्सनल मोमेंट भी अगर लग जाए किसी भी तरीके से तो उसका हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे। तो टॉर्सन जो होता है मेनली दो तरीके का टॉर्सन होता है, एक इक्विलिब्रियम टॉर्सन और सेकेंड जो है वो कंपेटिबिलिटी टॉर्सन बोलते हैं उसको। तो इक्विलिब्रियम टॉर्सन और कंपेटिबिलिटी टॉर्सन जो है, अगर मान लीजिए कोई बीम है हमारे पास और उसको हमने सिर्फ सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, सीयर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट या फिर सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ही कंसिडर करके हमने अगर उसका डिजाइन किया है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें कंपेटिबिलिटी टॉर्सन जो है वो उसको रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम टॉर्सन की बात करें तो इक्विलिब्रियम टॉर्सन के लिए हमें डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। फिर अगर बात करें कि जो एक आईएस कोड के अनुसार, आईएस कोड ये बोलता है कि जो हम लोग टॉर्सन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, टॉर्सन टॉर्सनल मोमेंट के लिए अगर हमें डिजाइन करना होता है, या फिर इक्विलिब्रियम टॉर्सन के लिए हम बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम टॉर्सन के लिए अगर हमें डिजाइन करना होता है या फिर इक्विलिब्रियम टॉर्सन किसी बीम पे या स्ट्रक्चर पे सेक्शन पे लग रहा है तो उसके लिए हमें डिजाइन करना होगा। और उसको डिजाइन करने के लिए एक रूल है, वो उसका नाम है एसक्यू बेंडिंग थ्योरी। ठीक है, एसक्यू बेंडिंग थ्योरी, एसक्यू बेंडिंग थ्योरी के थ्रू इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में, किसी स्ट्रक्चर में सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के साथ टॉर्सन भी लगे तो उसको हम लोग एक इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, जो हमारे पास मोमेंट है एक्सटर्नल लोड के कारण जो हमारे पास मोमेंट लग रहा है उसको, और टॉर्सनल मोमेंट दोनों को साथ में लेकर के एक इक्विवेलेंट हम लोग मोमेंट लेते हैं और उस मोमेंट के लिए हम लोग सेक्शन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मोमेंट और सीयर क्या होता है, वो अगर इससे पहले भी हमने जो बीम डिजाइन किया है वो सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने बीम डिजाइन किया है तो सिर्फ वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग होगा तो उसको हम लोग जैसे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी टॉर्सनल मोमेंट हमारा किसी सेक्शन पे टीयू लग रहा है। ठीक है, ये टॉर्सनल मोमेंट है तो, और सीयर फोर्स वीयू है और जो बेंडिंग मोमेंट है ये एमयू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सीयर होगा, इक्विवेलेंट सीयर, तो ये भी जो है टॉर्सनल मोमेंट जो है ये एक तरह का सीयर ही डेवलप करेगा। ठीक है, तो सीयर डेवलप करेगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सीयर यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट सीयर फोर्स क्या हो जाएगा, वीयू प्लस, वीयू प्लस 1.6 टीयू अपॉन बी। ठीक है, यहां पर बी जो है क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन है, तो वीयू क्या हो गया, अल्टीमेट जो सीयर फोर्स है। ठीक है, वीयू अल्टीमेट सीयर फोर्स हो गया और टीयू हो गया अल्टीमेट
यू फॉर अल्टीमेट हो गया, अल्टीमेट टॉर्सनल मोमेंट, और बी है विड्थ ऑफ डिसेक्शन। इसका आप यूनिट देख सकते हैं, इसका यूनिट जो होगा वो किलोमीटर में, इसका किलोमीटर मीटर, और इसका भी किलोमीटर मीटर में, ठीक है, और बी का यूनिट मीटर में होगा, ठीक है। यहां से आप यूनिट को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मोमेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर अगर शियर स्ट्रेस भी, इक्विवेलेंट स्ट्रेस भी निकालना है तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस भी आप निकाल सकते हैं, वीयू वीई अपॉन बीडी करके, ठीक, वीयू अपॉन बीडी करके। और फिर इक्विवेलेंट यहां पे मोमेंट हमें निकालना होगा, इक्विवेलेंट मोमेंट क्या हो जाएगा, एमयू, एमयू तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इस टॉर्सन के कारण जो मोमेंट आएगा, ठीक है, इस टॉर्सन के कारण जो मोमेंट आएगा उसको भी हम लोग लेंगे। ये हो जाएगा आपका एमयू प्लस एमटी, यानी यहां पे जो है हमारा इक्विवेलेंट मोमेंट जो होता हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, एमयू प्लस एमटी, यानी कि मोमेंट ड्यू टू टॉर्सनल मोमेंट यहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एमयू प्लस एमटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू टॉर्सन, ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू टॉर्सन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे इसका वैल्यू हो जाएगा टी यू इंटू वन प्लस डी बाई वी डिवाइडेड बाई 1.7, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आ गया और इक्विवेलेंट शियर फोर्स आ गया। और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने पहले ही बहुत सारे बीम अभी तक डिजाइन किए हैं, तो सेम प्रोसेस हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बातें हैं जो, जैसे अगर मान लीजिए टॉर्सनल मोमेंट लग रहा है तो उसके कारण कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास उसके लिए व्यवस्था अलग से करना होगा, तो यहां पे इस चैप्टर को पढ़ने का बस यही रीजन है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इक्विवेलेंट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ गया, और इस इक्विवेलेंट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इसको जो है एडिशनल एडिशनल बेंडिंग मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एडिशनल मोमेंट ड्यू टू टॉर्सन, ठीक है, एडिशनल मोमेंट ड्यू टू टॉर्सन, ये हो गया हमारा एमटी। तो जो इस केस में हम लोग एनालिसिस जब करेंगे, जब टॉर्सनल मोमेंट भी लगेगा, तो उस केस में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टोटल कितने तरीके से रेनफोर्स, तो हमारे पास टोटल जो शियर फोर्स भी हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट भी हो जाएगा, और एक टॉर्सनल मोमेंट भी हो जाएगा। तो इसके कारण रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है उसके कुछ तरीके हैं बहुत सारे जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो तीन फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट है जैसे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, सेकेंड है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, थर्ड हो गया कौन सा, थर्ड हो गया हमारा साइड फेस रेनफोर्समेंट, ठीक है, साइड फेस रेनफोर्समेंट। ये तीन तरीके से करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल तो एक मेन बार होता है आपको पता होगा, और ट्रांसवर्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स का काम मेनली ये होता है कि जो उसमें शियर लगा है, ठीक है, जो शियर लग रहा है उसको बैलेंस करना, मतलब उसको कंट्रोल करना, उसके लिए हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। वो जनरली स्टिरअप के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, स्टिरअप के फॉर्म में। और जो साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट होता है मेन बाई, जिसको हम लोग जब डेप्थ जो है, अगर टॉर्सन भी लग रहा है तो डेप्थ होना चाहिए अगर 450 mm, यानी कि 450 mm से अगर ज्यादा डेप्थ, या फिर विड्थ कोई भी क्रॉस सेक्शन का कुछ भी अगर मेजरमेंट अगर 450 mm से ज्यादा आ रहा है, अगर टॉर्सन लग रहा है, तो अगर 450 mm से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट देंगे। अगर टॉर्सन नहीं लग रहा है तो 750 mm इसका जो वैल्यू है वो 750 mm हो जाएगा, यानी कि 750 mm से अगर वैल्यू ज्यादा है किसी भी क्रॉस सेक्शन के, किसी भी डायमेंशन का, तो यहाँ पे हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, उसमें हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कौन सा रेनफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये जैसे एक क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हमारा मेन बार, ठीक है, मेन बार, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया। और यहाँ पे जो एक ये देंगे स्टिरअप देंगे, ठीक है, स्टिरअप देंगे यहाँ पे, ये हो गया ट्रांसवर्स, कभी कभी बीच में भी ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स, ठीक है। अब साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है दोनों साइड में, अगर मान लीजिए ये डेप्थ जो है, डेप्थ इसका 450 mm से ज्यादा है और टॉर्सन भी लग रहा है,
या फिर टॉर्सन अगर नहीं लगा है तो 750 ओम से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है डेप्थ तो इस केस में इस साइड में इस फेस पे हमें रेनफोर्समेंट देना होगा, ठीक है, साइड फेस रेनफोर्समेंट दोनों साइड दोनों फेस पे देना होगा। और इसका डेप्थ, इसका जो टोटल वैल्यू है 0.1% ऑफ बीडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये साइड फेस रेनफोर्समेंट 0.1% ऑफ बीडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम साइड फेस रेनफोर्समेंट निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपना डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट होता है उसके लिए जो रिकमेंडेशन है आईएस कोड का वो क्या है, एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तीनों को देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है कि फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है, जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो मेन बार रहेगा वो मेनली बेंडिंग मोमेंट के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो अगर जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है हमारा, अगर मान लीजिए कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट अगर लिमिटिंग से कम, एमयू लिमिटिंग अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे मेनली वही जो बीम के तहत बीम को हम लोग डिजाइन करते थे बस वही प्रोसेस है, कुछ खास नहीं है। तो पहले चेक करेंगे एमयू निकालेंगे और एमयू लिमिटिंग जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि ये ओवर रेनफोर्स तो नहीं हो रहा है या फिर अंडर रेनफोर्स जो भी है। अगर अंडर रेनफोर्स्ड है तो सिंगल रेनफोर्स डायरेक्ट डिजाइन कर देंगे, अगर ओवर है, ओवर अगर आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स डिजाइन करेंगे, यानी कंप्रेशन साइड में भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग जैसे निकाल लेंगे, जैसे एक तरीका ये भी हम चेक कर सकते हैं कि जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट था एमयू, ठीक है, एमयू जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट था उसका वैल्यू अगर टॉर्सनल से कम है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि टॉर्सनल जो बेंडिंग मोमेंट आएगा टॉर्सन के कारण जो एडिशनल बेंडिंग मोमेंट था एमटी, उसके बारे में बोल रहे हैं कि एमटी अगर एमयू से अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में हम लोग कंप्रेशन साइड में जो है रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो किसके लिए, जो एडिशनल मोमेंट है उसके लिए, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं एमटी माइनस एमयू के लिए, एमटी माइनस एमयू के लिए हम लोग कंप्रेशन साइड में बार को प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये देख लेंगे, जैसे एमई है, एमई सबसे पहले निकालेंगे और उसका वैल्यू अगर देखेंगे कि अगर एमई का वैल्यू अगर लेस देन एमयू लिमिटिंग है तो सेक्शन तो डायरेक्ट सिंगली रेनफोर्स हो जाएगा क्योंकि अंडर रेनफोर्स होगा, सिंगली रेनफोर्स्ड, ठीक, सिंगल रेनफोर्स डिजाइन करें क्योंकि ये अंडर रेनफोर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ज्यादा हो गया तो हम लोग डब्ल्यू पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अगर हमारा एमटी, एमटी मीन्स एडिशनल जो बेंडिंग मोमेंट था ड्यू टू टॉर्सन, ये अगर एमयू से ज्यादा हो जाए, ठीक, तो भी हम लोग क्या करेंगे, यहां से कंप्रेशन साइड में हमें प्रोवाइड करना होगा रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं वी प्रोवाइड किस मोमेंट, कितने मोमेंट के लिए, तो यहां बोल सकते हैं फोर अ मोमेंट ऑफ एमटी माइनस एमयू, यानी कि जितना एक्स्ट्रा मोमेंट होगा उसके लिए हमें कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड करना होगा। तो कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड करेंगे तो कितना स्टील प्रोवाइड करेंगे, कितना रेनफोर्समेंट देंगे, तो इसी एमटी माइनस एमयू को क्या करेंगे 0.87 FY कंप्रेशन साइड में एएससी हो जाएगा इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म क्या होगा डी माइनस डी डैश, डी डैश होगा ऊपर का जो कवर होगा वही क्लियर कवर। इस तरीके से हम लोग एएससी प्रोवाइड कर देंगे कंप्रेशन साइड में और उसके बाद हम लोग इसी को बोलेंगे क्या, एडिशनल रेनफोर्समेंट ऑन कंप्रेशन फेस, ठीक है। कंप्रेशन फेस पे हम लोग जो एडिशनल रेनफोर्समेंट देंगे वो हमारा ए एएससी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि यहाँ पे जनरली
जो लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट होता है वो जो हमारा फेस है, ठीक है, फेस जो है यहाँ पे हमारा ये फेस हो गया और इधर फेस हो गया, फेस के क्लोज करके दिया जाता है। फेस के बाद इसका प्लेस बताया जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट का प्लेस कहाँ पे हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। ये तो हमने बता लिया कि एएसटी और एएससी, ठीक है, एएसटी यहां से निकल जाएगा एनटीएमयू से, ठीक है, तो यहां से हम लोग एएसटी निकालेंगे। एएसटी हमारा ये नीचे का जो आप देख रहे होंगे चार जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा एएसटी है, और ये जो दो आपको दिख रहा होगा ये हमारा एएससी है, ठीक है। तो एएससी और एएसटी जनरली फेस के पास, फेस के नजदीक दिया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रांसवर्स की, ठीक है, तो सेकंड हम लोग ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट की बात करते हैं कि ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीट हुआ, अब ट्रांसवर्स को देखते हैं। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के से अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन जो है इस पर, इसका जो डिजाइन है, डिजाइन प्रोसेस है, डिजाइन स्टेप्स और एक प्रॉपर वे जो है डिजाइन करने का, तीनों तरीके से तीनों एनफोर्समेंट का डिजाइन करना कैसे करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग इस पर बात करेंगे। यहाँ पे हम तीनों एनफोर्समेंट का डिजाइन जो है उसके अंदर क्या क्या आईएस कोड का रिकमेंडेशन है वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सेकंड जो है यहाँ पे सेकंड ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट है, ठीक। तो ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट का जो प्रोवाइड किया जाता है वो मेनली किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो सीआर कोड असिस्ट करने के लिए। और सीआर कोड असिस्ट करने के लिए जो है एक स्टिरअप के फॉर्म में इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ हमारा यहाँ पे स्पेसिंग होगा, ठीक है, स्पेसिंग होगा, तो वो स्पेसिंग हम लोग हमें यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग क्या होगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एएसबी, ठीक है, एएसबी क्या होगा, एएसबी जो होगा आपको टी यू इंटू एसबी, एएसबी क्या है, एरिया ऑफ स्टिरअप, ठीक है, स्टिरअप जो हम लोग वर्टिकल स्टिरअप देंगे, वर्टिकल के फॉर्म में ही देंगे, तो वर्टिकल स्टिरअप जो देंगे उसका एरिया है, ठीक है। ये हमारा स्पेसिंग है, ये टॉर्सनल मोमेंट हो गया, और उसके बाद नीचे डिवाइड करेंगे बी वन इंटू डी वन से, ठीक है, बी वन इंटू डी वन से डिवाइड करेंगे इंटू 0.87 एफ वाई से, ठीक। प्लस ये तो हो गया किसके लिए, टॉर्सन के लिए। अब बात करेंगे शियर फोर्स के लिए, तो शियर फोर्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वी यू इंटू एस वी, वी यू इंटू एस वी क्या हो गया शियर फोर्स, और उसके कारण 2.5 डी वन इंटू 0.87 एफ वाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे दो एक ये इक्वेशन हो गया, और सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें होगा 0.87 ठीक है। ये सीयर सीयर के लिए हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो सीयर में आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, सीयर स्ट्रेस जो है हम लोग निकाले थे जो सीयर फोर्स के कारण जो सीयर स्ट्रेस हुआ था, और इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट हमारा सीयर फोर्स जो होगा उसके कारण जो सीयर स्ट्रेस होगा टी टॉ भी हो जाएगा, और टॉसी सबके लिए होगा जो हमारे पास पीटी दिया हुआ रहेगा, यानी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट दिया रहेगा प्लस कंक्रीट का ग्रेड दिया रहेगा, वहां से हम टीसी निकालेंगे। तो यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके लिए जितना स्टील होगा हमारा यहां से हम लोग स्टीम निकल जाएगा हमारे पास, और इसका वैल्यू सबसे पहले जो टॉ वीई है यानी कि इक्विवेलेंट जो सीयर स्ट्रेस रहेगा उसको हम लोग वीई बाय बीटी से निकाल करके टॉसी मैक्स से वो कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो हम जो कंक्रीट है उसके ग्रेड को बढ़ाएंगे और रीडिजाइन करेंगे, यानी कि जो हमारा सेक्शन होगा उसको रीडिजाइन करेंगे, जैसा कि सीयर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे उतना बढ़िया से तो यहाँ पे हो गया, फिर भी तो हमने बता ही दिया फिर भी कि टॉसी माइनस टॉबी जो इक्विवेलेंट हमारे पास बचा हुआ सीयर स्ट्रेस है उसके कारण जो स्टिरअप देना है उसका एरिया यहां से निकल जाएगा, और फिर जो है स्पेसिंग हमारे पास निकल जाएगा, एरिया हो गया जो स्टिरअप है उसका और स्पेसिंग हो गया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग जो आएगा, स्पेसिंग का कुछ वैल्यू आएगा आपके पास, ठीक। तो स्पेसिंग को यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा उसको चेक करना है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है स्पेसिंग का मिनिमम ऑफ
x1 plus y1 by 2 और 300 एमएम, ठीक है। इस तीनों में जो मिनिमम रहेगा वो हमें लेना है। तो ये चारों में आप बोल लीजिए, ये sv जो हमारे पास ये यहां से आएगा sv प्लस ये जो x1 प्लस y1 by 2 और 300 एमएम, तीनों में जो मिनिमम रहेगा उतना हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। उससे कम ही प्रोवाइड करेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा सा कम ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये चारों में जो मिनिमम होगा उतना मैक्सिमम हम लोग उतना ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो x1 क्या है, x1 y1 क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। x1 जो है, आप देख लीजिए, x1 है हमारा हो गया ये डिस्टेंस, y1 हो गया हमारा ये डिस्टेंस y1, x1 ये हो गया, ठीक है। तो x1 y1 हमारे पास यहां से निकल जाएगा, यहां से हम लोग कंपेयर कर लेंगे और आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे किसका, साइड फेस रेइंफोर्समेंट का। तो साइड फेस रेइंफोर्समेंट के लिए हमने आपको बताया था कि जब वैल्यू जो है कोई भी क्रॉस सेक्शन या तो फिर बी हो, यानी कि विड्थ और डेप्थ दोनों में से कोई भी अगर टॉर्सन भी लग रहा है तो उस केस में 450 mm यानी कि 450 mm से अगर डेप्थ या विड्थ ज्यादा है, कोई दोनों में से कोई भी एक भी चलेगा या दोनों में चलेगा, तो दोनों में से कोई भी जो है 450 mm से अगर ज्यादा है तो उस केस में हमें साइड फेस रेइंफोर्समेंट देना होगा। अगर टॉर्सन नहीं लग रहा है तो 750 mm से अगर ज्यादा है तो हमें साइड फेस रेइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आईएस कोड का रिकमेंडेशन है। तो इसका जो वैल्यू है कितना होना चाहिए साइड फेस रेइंफोर्समेंट का, 0.1% ऑफ बीडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, साइड फेस रेइंफोर्समेंट जैसे मान लीजिए कि बीडी का वैल्यू, बीडी एक एग्जांपल ले लीजिए कि बीडी का वैल्यू जैसे 300 × 800 है, ठीक है, टोटल हमारा क्रॉस सेक्शन। तो बीडी कितना हो गया, बीडी हो गया एमएम, ठीक है, ये हो गया। इसका 0.1% इंटू 0.1/100 यानी कि 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इतना यानी कि 240 mm², इतना स्टील मिनिमम जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतना ही स्टील हमें साइड फेस रेइंफोर्समेंट के फॉर्म में हमें देना होगा। अब दोनों फेस पे तो देना ही है, प्लस अगर दो के फॉर्म में दे देते तो एक जो है इसको हाफ, एक साइड हाफ दे देंगे, ठीक, एक स्टील का एरिया हाफ रहेगा ना, तो हाफ दे देंगे एक साइड और बाकी जैसे हाफ 240, ठीक है, ऐसे करके यानी कि 120 और 120 दे देंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आप क्रॉस सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि डायमीटर कोई भी जो हमारे पास बार रहेगा उसका डायमीटर आप सिलेक्ट कर लीजिए और उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोला जाता है कि जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग उसका वैल्यू कभी भी 10 mm से कम नहीं होगा, ठीक है, स्पेसिंग कभी भी 10 mm से स्पेसिंग जो है इसका 10 mm से कम नहीं देंगे और इसी तरीके से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमने अभी तक बात किया कि टॉर्सन क्या होता है और टॉर्सन कितने तरीके के होते हैं, इक्विलिब्रियम हो गया, कॉम्पेटिबिलिटी हो गया, अगर कॉम्पेटिबिलिटी होगा तो उस केस में हमें टॉर्सन के लिए अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन कर देंगे, हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे और इक्विलिब्रियम टॉर्सन के लिए डिजाइन करने के लिए एक थ्योरी था हमारे पास, उसका नाम क्या था, उसका नाम जो था वो था एसक्यू बेंडिंग थ्योरी, और उसी के बेसिस पे हम लोग इक्विवेलेंट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है इक्विवेलेंट हम लोग निकालते थे। इक्विवेलेंट जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारा एमयू प्लस एमटी हो जाएगा, इसी को हम लोग एडिशनल मोमेंट ड्यू टू टॉर्सन बोलते थे, और यहां से हम लोग इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल करके और इक्विवेलेंट शियर फोर्स भी है हमारे पास, दोनों के कारण जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होगा उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट, और जो ट्रांसवर्स किसके लिए, ट्रांसवर्स तो शियर के लिए प्रोवाइड करते हैं स्टीरफ के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स भी प्रोवाइड करेंगे और कुछ स्पेसिंग भी उसके लिए देना होगा। तो स्पेसिंग और एरिया यानी कि एएसवी और एसवी ये दोनों हमें निकालना होगा, दो इक्वेशन था हमारे पास वहां से निकल जाएगा, और उसके लिए चेक करना होगा हमें, उसके लिए ये चेक करना होगा कि जो हमारा शियर स्ट्रेस था,
शियर स्ट्रेस, इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस जो था उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, टॉसी मैक्स से कम आना चाहिए। ठीक है, अगर टॉसी मैक्स से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट के ग्रेड को बढ़ाएंगे। ठीक है, कंक्रीट के ग्रेड को बढ़ा करके और वहां से जो है हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो यानी कि कंक्रीट के ग्रेड को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा टॉसी मैक्स बढ़ेगा और उसको क्या होगा, जब तक तब तक बढ़ेंगे जब तक कि ये वैल्यू जो है हमारे पास टॉबी जो इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस है उससे टॉसी मैक्स का वैल्यू ज्यादा ना हो जाए तब तक बढ़ाएंगे। तो और फिर से जो हमारे पास जो कंक्रीट का ग्रेड आएगा उससे हम लोग यहाँ पे लेकर के डिजाइन करेंगे। ठीक है, वो ग्रेड अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये शियर स्ट्रेस हो गया और इसके कारण हम लोग जो स्टेटअप होगा वो प्रोवाइड कर देंगे, जो टॉबी माइनस टॉबी से, तो टॉबी माइनस टॉसी से जो होगा उसके लिए हम यहाँ पे टॉसी क्या है, कंक्रीट का जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे हम स्टील के लिए डिजाइन कर रहे हैं ना, तो स्टील कितना शियर स्ट्रेस स्टील को लेना है तो उसी के लिए डिजाइन करेंगे। तो ये टॉबी माइनस टॉसी के लिए जो है हम लोग स्टीरअप जो वर्टिकल स्टीरअप है एएसबी वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और उसके लिए जो स्पेसिंग प्रोवाइड करना है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोनों निकाल करके स्पेसिंग को जो है वो कंपेयर करेंगे हम, स्पेसिंग का वैल्यू जो मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो हमने एक इक्वेशन से निकाला होगा और या फिर मिनिमम जो है ये तीनों में x1 और x1 प्लस y1 by 2 और 300 mm, ये चारों में से जो मिनिमम रहेगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे, उससे कम ही अडॉप्ट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू वो होगा जो इन चारों में से मिनिमम है। ठीक है, यहां से हम ट्रांसवर्स डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद हम आए साइड फेस पे, तो साइड फेस में ये क्राइटेरिया कि साइड फेस हम लोग तब तक डिजाइन नहीं करेंगे जब तक कि जो इसका डेप्थ है, डेप्थ या फिर विड्थ कोई भी क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन है वो 450 mm से ज्यादा नहीं हो अगर टॉर्सन लग रहा है तो, और अगर टॉर्सन नहीं लग रहा है तो 750 mm ये क्राइटेरिया हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे इतना कम से कम वैल्यू 450 mm होना चाहिए अगर टॉर्सन लग रहा है तो, अगर इससे ज्यादा वैल्यू है मतलब डायमेंशन है किसी का भी, तो डेप्थ या विड्थ दोनों में से कोई भी अगर 450 mm से ज्यादा है तो इस केस में हम लोग साइड फेस रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और साइड फेस रेइंफोर्समेंट का मैक्सिमम कितना रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिए साइड फेस रेइंफोर्समेंट, और जितना होगा उतना दोनों साइड आधा आधा करके हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आज हमने की। तो कल जो है हम इस पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस डिजाइन प्रोसेस को और तीनों रेइंफोर्समेंट के लिए डिजाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और साइड फेस, ये तीनों के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे और जितने भी तरीके के जितने भी डॉट होंगे हमारे साइड सब भी क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं, कल हमारे जो इससे आगे का जो पार्ट रहेगा डिजाइन का उसमें, और उसमें एक अच्छा सा एक क्वेश्चन करके बाकी हम लोग सब कुछ समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं और तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।